हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहित मौर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मोहित मौर्य 2.0 में। सो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप लो बजट में अच्छा खासा प्रोटीन ले सकते हैं। बहुत सारे जिम भाइयों को प्रोटीन लेने में बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे उनका बजट नहीं बन पाता है या फिर बहुत महंगे होते हैं, तो आप लो बजट में भी अच्छा खासा प्रोटीन अफोर्ड कर सकते हो। मैं उसी के बारे में आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जानकर हैरानी होगी कि 100 ग्राम सोयाबीन में 52 ग्राम प्रोटीन होते हैं। तो चलिए सर्च करके देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सर्च करते हैं। ये रहा हमारा गूगल, 100 ग्राम सोयाबीन में कितना प्रोटीन होता है, प्रोटीन की मात्रा। चलिए सर्च करते हैं। ये देखिए गाइस, 52 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम सोयाबीन में, आप देख सकते हो। चलिए अब एग का देख लेते हैं, एक एग में कितना प्रोटीन होता है, प्रोटीन की मात्रा। ये नीचे ये देखो आप, 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है एक अंडे में, आप देख सकते हो बिल्कुल। जो भाई मेरी तरह वेजिटेरियन है, जो अंडा अफोर्ड नहीं कर सकते, अंडा खा नहीं सकते, भाई अफोर्ड तो कर सकते हो बट खा नहीं सकते, क्योंकि मैं भी वेजिटेरियन, में अंडा मांस ये फिर मतलब मटन चिकन ये सब नहीं खा सकता क्योंकि मैं 100% वेजिटेरियन हूँ। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसे काफ़ी सारे लोगों के साथ चैलेंजेज आता होगा कि उनको ये सब लेने को बोला जाता है बट वो ले नहीं सकते क्योंकि वो लेते नहीं हैं। तो उसी चीज़ को आप चाहे तो वेजिटेरियन में भी उसको अफोर्ड कर। अंडे में 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है जबकि 100 ग्राम सोयाबीन में 52 ग्राम प्रोटीन होता है, यानी आप 8 अंडा लगभग 8 अंडा लोगे जितना प्रोटीन मिलेगा उतना 100 ग्राम आप सोयाबीन आराम से प्रोटीन ले सकते हो, जो कि आपको सस्ता भी पड़ेगा, बहुत सस्ता पड़ेगा अंडा अंडा के अपेक्षा। अंडा अप्रोक्स 8 या 9 रुपए में मिलता है एक पीस, तो उसका प्राइस आप 8 से गुणा कर दो तो 64 रुपए हुआ। अगर वही 100 ग्राम आप सोयाबीन लेते हो तो आराम से 100 रुपए किलो में मिल जाता है, यानी कि 10 रुपए का पड़ेगा आपको और आपको 52 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो आप अच्छा खासा इसको बना सकते हो घर पे। मैं बनाऊंगा भी, बना के भी दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।